गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सैंपल पेपर नंबर 2 मैथमेटिक्स क्लास 10th में क्वेश्चन 7 करेंगे। 6th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट अवर जॉब। तो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स। सबसे पहले देखो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है तो इसको मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रूट्स क्या है। जैसा आपके सामने लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स का मतलब है वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। एक्स की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो इसकी रूट्स कहलाएंगी। अगर ये पॉलिनोमियल है तो वो फिर जीरोज कहलाएंगी। तो यहाँ पर हम रूट्स निकालने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हमारा है मिडल टर्म स्प्लिट करके, जो कि आप 9th में और उससे छोटी क्लास में भी सीख चुके हैं, मिडल टर्म स्प्लिट। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैं ये चैप्टर 4 से लिया गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जरिए आपको तीनों तरीके समझाऊंगा कि मिडल टर्म से कैसे निकालते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज कैसे करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसमें नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब रूट इक्वल रियल हैं, अनइक्वल रियल है या नो रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, ये पता करने के लिए हमें बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकालना होता है। इसको हम d कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये d 0 के बराबर है तो रूट्स इक्वल और रियल होंगे। अगर ये d 0 से बड़ा है तो अनइक्वल एंड रियल होंगे, छोटे बड़े होंगे। और अगर ये d 0 से छोटा नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ये नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए होता है। जैसा मैंने बताया कि रूट्स निकालने के 3 तरीके लिखा है, पहला मिडल टर्म स्प्लिट करके, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता करना है तो हम ये निकालेंगे डी बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करते हुए। और अगर डी 0 के बराबर आए तो इक्वल एंड रियल रूट्स, बड़ा है तो अनइक्वल और छोटा है तो नो रियल रूट्स। अब हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये तो वो तरीके थे वो जो मैंने आपको बताए कि अगर नेचर ऑफ रूट्स जानना है तो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले मैं मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करूँगा। मिडल टर्म कौन सी है, ये है, इसको हमने स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब है इसके 2 टुकड़े बनाने हैं कि प्लस माइनस करने से 7 आए और मल्टीप्लाई करने से 10 आए। अर्थात अगर मैं 7 को, अगर a प्लस बी 7 आ जाए और ए बी 10 आ जाए, ए प्लस बी का मतलब इसके 2 टुकड़े, तो क्या हो गया 5 और 2। देखो 5 प्लस 2 और 5 × 2 10, तो इसके टुकड़े हो गए 5 और 2, 5x और 2x। x है तो x में लिखेंगे हम इसको। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन इसमें से क्या है, x, अंदर क्या बचा x प्लस 5, इसमें कॉमन क्या है प्लस 2, x प्लस 5। ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, अगर ये अलग अलग आती है तो हमने कहीं ना कहीं गलत कर दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखियो ये आपका मिडल टर्म स्प्लिट हो गया इधर, इसी के आधार पर इसका नाम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड है।
अब देखो ये जीरो कब होगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या ये दोनों ही जीरो होंगे। जीरो इंटू दिस जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, तो x माइनस फाइव इधर चला जाएगा, तो ये भी माइनस टू इधर जाने के बाद, तो आपके रूट्स क्या आ गए, माइनस फाइव एंड माइनस टू। रूट्स का मतलब है x की वैल्यू, अर्थात अगर माइनस फाइव इसमें रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको सेटिस्फाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, तो ये इसका रूट हो गया। इसी प्रकार अगर हम माइनस टू रखेंगे तो भी ये जीरो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जीरो है ही, दोनों लेफ्ट एंड राइट इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, अतः ये इसके रूट्स हैं। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, ये मिडल टर्म था जो आपने नाइन्थ में भी पढ़ा, अब जो नहीं पढ़ा वो क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड आपने नाइन्थ में नहीं पढ़ा, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने नाइन्थ में नहीं पढ़ा, वो नया है जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। जैसा मैंने बताया ये चैप्टर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए हम क्या करेंगे जरा ध्यान से समझे, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को इधर ले जाएं राइट हैंड साइड में, माइनस हो जाएगा 10, प्लस था तो माइनस। सबसे पहला स्टेप कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप राइट हैंड साइड में ले जाएं, साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, वन है, तो छोड़ दे ऐसे कैसे। अगर इसके आगे कुछ और होता जैसे टू या थ्री तो सभी को हम उससे डिवाइड कर देते, अभी यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। इससे नेक्स्ट है कि इसका आधा करेंगे और स्क्वेयर करेंगे और दोनों तरफ ऐड करेंगे, एडिंग सेवन का हाफ होता है सेवन बाई टू, और उसका स्क्वेयर करेंगे ऑन बोथ साइड्स, क्यों स्क्वेयरिंग मेथड है तो इसलिए ये ऐसा करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स प्लस सेवन बाई टू का होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू माइनस टेन प्लस सेवन बाई टू का होल स्क्वेयर, दोनों तरफ लिखेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। अब व्हाट इज दिस, ये है एक्स प्लस सेवन बाई टू का होल स्क्वेयर है, कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड, कंप्लीट हो गया ये स्क्वेयर। खोल के देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, टू से टू कैंसिल, सेवन एक्स आ जाएगा। अब यहां पर कितना हो गया 49 बाई 4 स्क्वेयर कर दिया, तो अब हम आगे बढ़े x प्लस सेवन बाई टू का होल स्क्वेयर, और यहां 4 एलसीएम आएगा तो 4 40 और 9 बाई 4 40, 49 में से 40 चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहां पर, जैसे हम इसका पॉजिटिव स्क्वेयर रूट लेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे तो इसका भी स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा, जो होगा प्लस माइनस 3 बाई 2, 9 का 3 होता है स्क्वेयर रूट और 4 का 2। अब हमारे पास ये है तो हम कांस्टेंट वैल्यू को इधर ले जाएं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एक बार ये हो जाएगी प्लस के साथ और एक बार ये हो जाएगी माइनस के साथ, क्योंकि दो हैं यहाँ साइन, एक बार प्लस एक बार, तो प्लस के साथ होएगी तो 7 और 3 10 बाई 2 यानी 5, ये सॉरी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका, अगर देखें माइनस 7 में से 3 गया माइनस 4 बाई 2 तो माइनस 2, माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 बाई 5 माइनस 5, तो ये आपका आ गया रूट्स, आगे ना वही आंसर सेम आएगा, देन रूट्स आर माइनस 5 एंड माइनस 2, ये आपके रूट्स आ गए। चलिए अब ये आपको समझ आ गया होगा, फिर आगे आएगा फिर से एक बार समझाएंगे। तीसरा इसके अंदर क्या था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए रूट्स निकालो, तीन ही तरीके हैं आपके इस चैप्टर में रूट्स निकालने के, अभी मैं तीसरा भी आपको बता रहा हूँ। जरा देखिए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ए क्या है जो इसके साथ होता है, बी क्या है 7 और सी क्या है 10, क्योंकि इसको कंपेयर कर दो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, ए बी और सी। नाइन्थ में भी ये वैल्यूज आपको बताई,
अब देखो वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग क्वाड्रेटिक माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, मैंने कहा था उसका यूज, ये याद रखिएगा। अब जहां पर रूट्स इक्वल होंगे या d की वैल्यू जीरो हो गई तो माइनस बी अपॉन टू ए होगा, देन x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सेवन प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है ऊपर से वैल्यू देख लीजिए, और c 2a, a 1 है देखो ये रहा, देन x की वैल्यू क्या आ गई माइनस सेवन, 49 में से 40 गया तो कितना हो गया 9/2 अर्थात माइनस सेवन प्लस माइनस 3/2। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ देखें तो क्या आ गई माइनस सेवन प्लस माइनस 3/2, तो वही चीज़ आ गई जो अभी अभी हमने किया था, एक बार माइनस के साथ कर देंगे और एक बार इसको प्लस के साथ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस 10/2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4/2 माइनस 2, तो रूट्स आर माइनस 5 एंड माइनस 2। तो ये था तीसरा तरीका रूट्स निकालने का, जिसको कहा गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके निकालना। तीनों ही तरीके मैंने यहाँ बताए, उम्मीद है आपको ये समझ आएंगे होंगे, लेकिन अच्छे से समझ आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ का, और बोर्ड में अगर और आता है तो एक ही करना है हमने दो में से, दोनों को नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या कहता है, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है इसका, और फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसने क्या कहा है कि ए की कौन सी वैल्यू होंगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम हल करें, और कंडीशन क्या है कि नो रियल रूट्स। अभी मैंने बताया था कि डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, जीरो से छोटी आ जाए तो नो रियल रूट्स होंगे। अभी अभी मैंने बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये कंडीशनल केस है, ए की वैल्यू कब निकालो जब इस इक्वेशन के रूट्स ना हो, रियल रूट्स ना हो। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे यहां पर 30ax² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां लिखेंगे सिंस द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ऐसा लिखा हुआ है, देखो हैज नो रियल रूट्स ये दिया हुआ है। इसका मतलब है कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। अभी अभी मैंने बताया था लेस देन 0 मतलब वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, तो b क्या है इसमें माइनस 6, ये भी मैंने अभी अभी बताया था abc। 4 a क्या है, ये है x² को छोड़ के जो बचा, और c क्या है आपका 1, ये रहा इज लेस देन 0। अभी आप देखेंगे माइनस 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ गया आपका 120a इज लेस देन 0। अब क्या करें, 120a को एक तरफ ले जाएं, 120a पॉजिटिव हो जाएगा और इधर आ जाएगा 36, a इज ग्रेटर देन 36 अपॉन 120, तो ये देखो किससे कटेगा 12, तो a इज ग्रेटर देन, जब a की वैल्यू इससे ग्रेटर हो जाएगी 3/10 से ग्रेटर हो जाएगी तो जो रूट्स होंगे वो नो रूट्स हो जाएंगे, नो रियल रूट्स हो जाएंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, ये चैप्टर नंबर 4 से ही था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था। तो अभी एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका 6 चैप्टर से
सॉरी 10th चैप्टर सर्कल से लिया गया है, वो क्या है कि एक फिगर दे रखी है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, यहाँ बना देता हूँ। इस तरह से ये फिगर है पी क्यू टी, और इसे मिला गया है ये एल और ये एम और ये एन। इसने कहा है इसमें कि पी क्यू इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, और कहा है कि जो ट्राइंगल है ना पी एल एम, इसका पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइज, सम ऑफ ऑल साइज इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो यहाँ पर एक बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि इस तरह से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हों तो इनका डबल कर दें, 28 का डबल 56 हो जाएगा, 28 × 2, तो इसकी जो पेरीमीटर होगा वो 56 सेंटीमीटर होगा, अर्थात इसका डबल कर दीजिए। वन मार्क में हम लिख सकते हैं या ऑप्शन हो तो उसे चूज कर सकते हैं, इसका डबल कर दें टेंजेंट का। लेकिन इसको करेंगे कैसे, अगर ये 2 या 3 या 4 मार्क्स में आ जाए वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, तो आप ध्यान से देखें, इसमें एल एन इज इक्वल टू एल क्यू। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, 10.2 क्या कहती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर अगर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, तो देन ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट है। सिमिलरली उधर से देखिए, एम एन इज इक्वल टू एम टी, सेम चीज है थ्योरम 10.2। देखो ना, इधर से भी एक्सटर्नल पॉइंट है, और पी क्यू और पी टी के लिए भी वही होगा, आल्सो पी क्यू इज इक्वल टू पी टी, थ्योरम 10.2 वही हो गया। ये एक्सटर्नल पॉइंट, देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट है, एम से एम एन और एम टी है, और पी से पी क्यू और पी टी है। अब पी क्यू और पी टी के टुकड़े करिए, पी क्यू के क्या होगा, पी एल प्लस एल क्यू, पी एल प्लस एल क्यू, ठीक है जी। और इधर से हम देखेंगे पी के 28 इक्वल हैं। अब यहाँ पर हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ले लें, इसी तरह अगर हम उसके टुकड़े करेंगे तो वो भी हो जाएगा पी एम और एम टी की जगह पी एल। तो अब हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल पी एल एम, तो क्या हो जाएगा पी एल प्लस एल एन, और इधर से क्या हो जाएगा, देखिए एल एन का मतलब पूरा ले लो, पी एल प्लस एल एम, एल एम लिख लो, एल एम प्लस पी एम। अब मैंने अभी अभी यहां बताया था पी क्यू के अगर हम टुकड़े करें तो क्या होंगे, पी एल प्लस एल क्यू, और इधर से क्या होंगे पी एम प्लस एम टी। अब ऊपर देखिए आप, ऊपर यहां पी एल एल क्यू, एल क्यू किसके बराबर है, एल एन, तो हम क्या लिख लेंगे पी एल प्लस एल एन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इधर से पी एम प्लस एम टी, एम टी की जगह क्या लिखोगे एम एन। अब जरा देखो ये वैल्यूज को ध्यान से में रखो, अब पी एल यहां देखियो, पी एल एल एम के टुकड़े एल एन प्लस, उधर से लेंगे तो इसके टुकड़े कर देंगे पी एम के, ठीक है जी, पी एल एल एम, एल एम का दो एक टुकड़ा और बच गया ना, एल एम एन प्लस पी एम। अब जरा इसको देख लो और इसको देख लो, ये वही तो चीज है जो इक्वल टू 28 है भाई, ये वैल्यू है, ये 28 के तो इक्वल है, दे रखी है, तो ये 28 हो गया, ये भी 28 हो गया, तो कितने हो गए जी, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा ट्वाइस ऑफ गिवन टेंजेंट। ओके, तो मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 समझाया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका चैप्टर 4 से था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था।
रूट्स के बारे में बताया, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, उनके तीनों तरीके कौन से हैं वो मैंने आपको समझाए। चैप्टर 10 में आपको जो है टेंजेंट्स के बारे में बताया और इनका यूज करते हुए पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते वो आपको बताया। प्रैक्टिस करेंगे तो मार्क्स आएंगे। मैथमेटिक्स में रटने की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जितना भी आप लिख के देखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, इसलिए कृपया ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।